हेलो फ्रेंड्स, ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ ये मेरा बैकयार्ड गार्डन है, जो कि अभी बहुत ही ख़राब कंडीशन में हो रखा है, क्योंकि इसको बहुत दिनों से अभी बारिश के बाद भी मैं ध्यान नहीं दे पाई थी। तो ये मैं अभी आपको पूरा व्यू दिखा रही हूँ। और ये पास में भी थोड़ी सी प्लेस खाली है, तो उसको भी हम लोग सोच रहे हैं कि साफ़ करके ट्रांसफॉर्म करेंगे थोड़ा सा। तो आइए देखते हैं आगे क्या कर सकते हैं। तो ये देखिए, ये पूरा व्यू है, अभी इस हालत में है गार्डन। ये टाइल्स भी टूटी हुई पड़ी हैं। ये अभी हमने थोड़ा सा ट्रांसफॉर्म किया है इसको, फर्श लगा दी, जो भी यहाँ वहाँ पड़ी हुई थी, बिखरी हुई थी, वही हमने उठा के यहाँ लगा दिए। और फिर इसके क्यारियाँ बना दी हैं, ये छोटी छोटी क्यारियाँ बनाई हैं, जिसके अंदर मैंने थोड़े से धनिया और मेथी लगाए हैं। तो फ्रेंड्स, ये देखिए, ये मेरा फाइनल गार्डन का लुक आया है, जो कि इसमें मैंने पहली क्यारी बनाई है, इसके अंदर मैंने धनिया लगाया, सेकंड में मैंने मेथी लगाई थी, जिसके अंदर थोड़े थोड़े पत्ते भी आ रखे हैं, जैसे कि आप देख रहे हो, छोटे छोटे सी पत्तियाँ निकल चुकी हैं इसमें। और ये जो लकड़ी का आपने देखा है, अभी ये मैंने टेम्प्रेरी किया है, फिर देखती हूँ थोड़ा सा, अभी तो सिर्फ लकड़ियों का टेम्प्रेरी मैंने बॉर्डर बनाया है, बाउंड्री बनाया है। और ये मनी प्लांट जो पहले से ही ग्रो कर रहा था, अच्छा चल रहा था, तो उसको मैंने रहने दिया है और इसको थोड़ा सा सपोर्ट दे दिया है मैंने, ये इससे नेट से। और ये क्यारियाँ हैं मनी प्लांट के पास में, जिसके अंदर मैंने लहसुन लगाए हैं और ये करी पत्ता है, करी पत्ता लगाया है मैंने। और ये पपीता है, जो कि जिसको मैंने सपोर्ट किया है करी पत्ते का, अभी इसको मैंने कटिंग करवा रखा है, उसके अंदर बहुत ज़्यादा कीड़े लग गए थे अभी तो। और ये जो है, अभी आप देख रहे हो, पाइनएप्पल है, इसके इसको मैंने कटिंग से ही ग्रो किया है, इसके मैंने नीचे का पाइनएप्पल हम लोगों ने यूज़ के लिए कर लिया, और फिर इसको मैंने पानी में डाल दिया था, रूट आने के बाद, रूट जनरेट होने के बाद मैंने इसको मिट्टी में लगा दिया है, जैसे कि आप देख रहे हो, अच्छा चल रहा है। और ये फिर उसके पास में ही मिर्ची का है, मिर्ची इसके अंदर लगी हुई है, और फिर मिर्ची जो है, अभी देखती हूँ मैं इसको भी, बहुत ही अच्छी मिर्ची है ये। ये दो पौधे और मैंने मिर्ची के डाले हैं इसके अंदर, दो पौधे और मिर्ची लगाए हैं, और जो कि अभी मैंने गमले से इधर किए हैं। और ये पात्रा है, जिसको आप अरबी भी बोलते हैं, अरबी के इधर का क्यारी में शिफ्ट कर दिया है इसको मैंने। और ये कुछ यहाँ पर छोटे छोटे पपीज़ हैं, जिन्होंने इसके थोड़ी सी पत्तियाँ डैमेज कर दी हैं। और ये क्यारियाँ बनाई हैं, देखते हैं अभी इसमें क्या लगाएंगे। और ये पूरे गार्डन का लुक है, जो अभी मैंने इसकी बाउंड्री किया है, ये बहुत टेम्प्रेरी किया है, फिर आगे देखती हूँ मैं। ये पीछे बैकयार्ड गार्डन है मेरा, जो कि अब धीरे धीरे इसको हम ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। और ये पूरे फर्श का लुक देखिए आप, बहुत ही अच्छा आया है। फर्श जो है पूरे छोटे छोटे से टुकड़े पड़े हुए थे यहाँ वहाँ, हमने उनको मिला के यहाँ लगा दिया है, जिससे कि बहुत ही अच्छा लुक आ गया है। और ये छोटे छोटे पपीज़ को हम लोग खाना वगैरह देते हैं, तो उसके बाउल्स हैं। और यहाँ पर ये लकड़ी का पुटिया पड़ा हुआ था, जिसको मैंने सिटिंग अरेंजमेंट करके लगा दिया है, जो कि ये बहुत सारे आम के पेड़ निकल गए थे यहाँ पर, हम लोगों ने गुठलियाँ डाल दी थी, तो ये अभी इनको मैंने निकाल लिया है, तो मैं देखती हूँ नर्सरी में दे के आ जाऊँगी। और ये पूरा देखिए अब आप पूरे गार्डन का होगा। और ये फ्रेंड्स रामफल का पेड़ है, जो कि अगर आपने सुना होगा तो ये अभी ज़्यादा मिलते नहीं हैं, ये बहुत ही इसके अंदर स्वादिष्ट फल आते हैं, जैसे कि अभी मैं आपको दिखा रही हूँ, ये रामफल का फल है, ये जाके गर्मियों में पकता है और बहुत ही स्वादिष्ट होते हैं और हमारी सेहत के लिए भी बहुत ही अच्छे होते हैं। और जैसे जैसे ये गार्डन का छोटा सा अपडेट दिया है, जैसे जैसे मैं इसको और इसके अंदर काम करती जाऊंगी, मैं आपको दिखाती जाऊंगी। और थैंक यू फॉर वॉचिंग।